नमस्कार, स्टेटमेंट टीवी पर सभी का स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज विश्वासघात दिवस मनाते हुए रतिया व फतेहाबाद में जोरदार प्रदर्शन किया और इसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। यह दिवस पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मनाया जा रहा है। अपने ज्ञापन में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश के किसानों ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी कानून को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हासिल करने और अन्य किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक अभूतपूर्व आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के चलते आपके हस्ताक्षर से 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द किया गया। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बकाया 6 मुद्दों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अभी तक ना तो MSP पर कोई काम हुआ है और न ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापिस लिए गए हैं। यही नहीं, STF की रिपोर्ट के बावजूद लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी अजय मिश्रा टैनी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हमारे किसान साथियों में मुकदमे दर्ज हुए उनको पूरी तरह से निरस्त किया जाए, ये मेन मांगे हमारी। MSP को लेकर MSP से कमेटी बने, उसके लिए जो है ना सरकार ने जब हमसे आंदोलन खत्म करवाया था वहाँ से लिखित में, सबसे पहले लिखित में वो उसमें यही था कि सरकार को चिताने के लिए आज एक बार साज कराने के लिए कि जो सहमति बनी थी साथियों से अपील है तुरंत अंदर लिया जाए, अपने कंट्रोल के अंदर आ जाए। हमारे जो नेता चल रहे हैं सरकार के अंदर आ जाए, इसी के अंदर अपन का सारा चलो भी आगे, चलो आगे हम साथ में किसानों के समर्थन में आज इस विरोध विरोध तो ये देखिए फोन शुरू करो, आप बात ध्यान में रख लो। 2023 में लास्ट डे में जाके अपने आंदोलन दोबारा दिल्ली में शुरू हो गए और 24 के वहां और बीमारी BJP नाम की RSS नाम की देश को खत्म करनी पड़ेगी। एक हफ्ते तैयारी कर लो, उकड़ो बैठना सीख लो और जमीन पर टिक के बैठना सीख लो। तो लड़ाई जीता कदम तेल सोचो दिल्ली जीत के आ गया कि नहीं कौन दिया अपना